हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, तो हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में अलग अलग तरीके से ना जाने किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली स्मार्टफोन मार्केट की, तो वहां पर शाओमी की तरफ से जो मी मिक्स की सीरीज है, वहां पर हमें कई सारे अलग अलग इनोवेशन देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे पहला जो मी मिक्स आया था, वो आया था सबसे पहले बेजललेस डिस्प्लेस के साथ। मतलब उस टाइम पर बेजललेस डिस्प्लेस आती थी, लेकिन ऊपर से नीचे से थोड़ा सा चिन होता था, या फिर किसी और तरीके से ऊपर के साइड में कैमरा वगैरह डाल दिया जाता था। लेकिन मी मिक्स जो सबसे पहला वाला आया था, उसमें क्या था, उसमें जो कैमरा सिस्टम था वो नीचे की तरफ था, और जो आपका ईयरपीस था वहां पर स्पीकर न यूज करके एक वाइब्रेटिंग सिस्टम यूज करा गया था, जहां पर आपकी स्क्रीन वाइब्रेट करती और उसके थ्रू आप आवाजों को सुन पाते थे। इसके बाद मी मिक्स 2 आया, जहां पर जो ईयरपीस था, मतलब ऊपर का जो वो था, वहां पर एक ईयरपीस डाल दिया गया प्रॉपर स्पीकर वाला, क्योंकि पहले वाले में इतना ज्यादा जो एक्सपीरियंस था लोगों का, वो कुछ इतना ज्यादा खास नहीं आ पा रहा था, तो इसी वजह से वहां पर वो स्पीकर डाल दिया गया और नीचे से जो चिन थी उसको थोड़ा सा और कम कर दिया गया। इसके बाद मी मिक्स 3 में आपको एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म दे दिया गया, पूरा फुल डिस्प्ले वाला, मतलब वो आ गया, जो कैमरा सिस्टम था नीचे की तरफ वो हट गया और स्लाइड करके आप फ्रंट कैमरा को एक्सेस कर सकते थे। और इसी के साथ हमारा जो मी मिक्स अल्फा, जो एक रेवोल्यूशनरी फोन है एक तरीके से देखा जाए, मतलब है ये कॉन्सेप्ट फोन, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं है, लेकिन ये मतलब एक पूरा कंप्लीटली केवल स्क्रीन से बना हुआ फोन है। तो यहाँ पर मी मिक्स सीरीज हमेशा से ही कुछ नया करता आया है, और अब ऑफिशियली ये चीज अनाउंस हो चुकी है कि मी मिक्स में आपको देखने को मिलेगा लिक्विड लेंस वाला कैमरा सिस्टम। मतलब आपके कैमरा लेंसेज, ये जो लेंसेज हैं, इसके अंदर भरा होगा पानी। वेल, नॉट स्पेसिफिकली पानी, लेकिन एक लिक्विड जो कि एज अ लेंस काम करेगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि लिक्विड लेंसेज क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वेल, बात करें अगर सबसे पहले सवाल की कि लिक्विड लेंस आखिर है क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेंस क्या है, लेंस कुछ और नहीं बल्कि ग्लासेस की अरेंजमेंट है। सेंसर, देखो हमारे कैमरे में जो कैमरा है उसमें तीन तरह की चीजें हैं। पहला आपका जो सेंसर है, जहां पर फोटो जो लाइट है वो रिसीव होगी, दूसरा जो वो प्रोसेसिंग होगी, मतलब सॉफ्टवेयर वाली चीज, और तीसरी जो है वो है लेंस, मतलब उस जो लाइट है वो ऐसे आएगी और किस तरीके से वो सारी की सारी जो सेंसर है उसकी तरफ डायरेक्ट हो जाए। लाइट इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, अलग अलग एंगल से हिट करेगी, लेकिन वो जानी चाहिए सेंसर के पास, तो वो काम करता है आपका लेंस सिस्टम। अब अभी तक हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन कैमराज हो गए, या फिर जो हमारे डिजिटल कैमरा है, DSLR वगैरह है, उसके अंदर जो लेंसेज यूज होते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल बेस लेंसेज हैं, मतलब उसके अंदर फिजिकल ग्लास जो कांच होता है उसका इस्तेमाल करा गया है। लेकिन लिक्विड लेंसेज में यही ग्लास, यही कांच जो है वो एक लिक्विड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया हाँ, रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये चीज काम कैसे करेगी, मतलब एक लिक्विड कैसे काम करेगा। तो भाई देखो, कांच क्या है, कांच के भी आर पार आप देख सकते हो, अगर पानी को देखा जाए तो पानी के भी आप आर पार देख सकते हो। अब हालांकि वो डिस्टॉर्शन वगैरह रहता है वो अलग बात है, लेकिन एक लिक्विड के भी आप आर पार आसानी से देख सकते हो। अब या तो आपने लेंस अगर देखा है तो कॉनकेव लेंस होता है या कन्वेक्स लेंस होता है, मतलब या तो वो लाइट को अंदर की तरफ वो करेगा या फिर लाइट को वो बाहर की तरफ फेंकेगा। तो ये एक लिक्विड कैसे करेगा, तो लिक्विड भी इसी तरह की शेप्स को लेगा। मतलब आप अगर इस लिक्विड को एक वोल्टेज के अंदर डालोगे तो वहां पर ये अपने शेप को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग वोल्टेज में इस लिक्विड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं, ये अलग अलग शेप लेगा और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके यहाँ पर लेंस बनाया जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल ये हो सकता है कि भाई ये चीज आखिर काम कैसे करती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये चीज कैसे काम करती है। तो ये काम करती है सरफेस टेंशन के फिनोमेनन पर। मतलब जैसे आपने बबल देखा है, बबल क्या है, एक पूरा राउंड होलो चीज होती है, पानी से बना हुआ, सोप वगैरह होता है उसमें, तो उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। ये होता है टेंशन जो कि सरफेस के ऊपर जनरेट होता है। पानी है, पानी का जो ऊपर का लेयर है उसमें सरफेस, वो सरफेस है उसके अंदर भी टेंशन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये बाइक की चाबी है, ठीक है, यहाँ पर अभी ये चीज नॉर्मल स्टेट में है तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसे खींचता हूँ अब इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हो गया, अब इसके अंदर एक टेंशन जनरेट हो गई है। तो ये बिल्कुल यही चीज होती है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर है, और क्योंकि लिक्विड किसी भी शेप में वो हो सकता है, तो जब उस पर मैक्सिमम टेंशन जनरेट होगी तब वो अपने आप को एज अ राउंड, मतलब गोलाकार में ही बनाएगा। अगर कोई भी लिक्विड अपनी शेप में गोल है तो इसका मतलब उसके अंदर सरफेस टेंशन है। अब ये जो वोल्टेज के थ्रू हम पानी का या फिर जो लिक्विड है उसके शेप को चेंज कर रहे हैं, इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रो
वेटिंग। अब यहाँ पर हम अगले सवाल पर आते हैं कि भैया क्यों लिक्विड लेंसेस, क्यों ऑप्टिकल चीज चली आ रही थी, क्या दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर इसके बहुत सारे हमारे पास एडवांटेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके फोकसिंग की, तो हम फोकस कैसे करते हैं, मतलब जनरली हमारे लेंस फोकस कैसे करते हैं? ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है हमारा। तो अगर इसको फोकस करना है तो ये इन दोनों में से किसी एक को आगे या पीछे मूव होना होगा ताकि जो लाइट है वो परफेक्टली सेंसर के पास जा सके। तो ये जो लेंसेज हैं इनमें से कोई भी आगे पीछे जब मूव होगा तभी जाकर वो लाइट जो है वो परफेक्टली हमारे सेंसर तक जाएगी। अब ये आगे पीछे कैसे होता है, तो यहाँ पर हमारे जो लेंस सिस्टम है, मतलब जिस माउंटिंग के ऊपर ये कांच लगाया जाता है, वो माउंटिंग में और उसके आस पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगी होती है। जब हम उस कॉइल के अंदर वोल्टेज को या फिर करंट को भेजते हैं उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इन लेंसेज को आगे या पीछे अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज इधर उधर मूव करती है। अब यहां पर आप खुद सोचो कि करंट, सबसे पहले करंट आया, उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, उस जनरेट मैग्नेटिक फील्ड से इस मतलब लेंस पे फोर्स लगा, ये आगे या पीछे कहीं भी हुआ, तो इन सारी चीजों में कितना ज्यादा टाइम लगा इन कंपैरिजन टू, जैसे यहाँ पर हमारे दो लेंस नहीं है केवल एक लेंस है, यहाँ पर जैसे ही हम इसमें आपका वो इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे या वोल्टेज भेजेंगे ये अपने शेप को चेंज करेगा, ये आगे हो जाएगा मतलब ये ऐसे हो जाएगा या फिर अपोजिट ऐसे हो जाएगा। तो अब ये सोचो कि ये चीज कितनी ज्यादा फास्ट हो गई है, तो फोकसिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी लिक्विड लेंसेज के केस में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर ये चीज अच्छी है तो लोग डिजिटल कैमरा में इसका यूज क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, ये काम करता है सरफेस टेंशन पे, और सरफेस टेंशन में जितना बड़ा आपका साइज होता रहेगा उतना ही ज्यादा टेंशन उस पर बढ़ती जाएगी और उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाए, और हम नहीं चाहते कि हमारा जो लिक्विड का मेम्ब्रेन है वो अनस्टेबल होकर टूट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बबल है, आप जितना छोटा रखोगे वो उतना स्टेबल रहेगा, जितना आप बबल बड़ा करते जाओगे उतना ही उसके फटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उसमें टेंशन बढ़ती जाएगी। तो यही चीज आपके DSLR में भी है कि उसमें बड़े बड़े लेंसेज का यूज होता है, बड़े बड़े ग्लास का यूज होता है, तो इस वजह से वहां पर इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा और फ्यूचर में भी शायद नहीं किया जाएगा। दूसरे अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो वो आ जाता है इसका स्टेबिलिटी, मतलब अभी हमारे पास OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन है, प्लस EIS है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन, या फिर हम इन दोनों को ही कंबाइन करके एक परफेक्टली स्मूथ इमेज हम निकाल पाते हैं या फिर स्मूथ फोटोज या स्मूथ वीडियोस हम निकाल पाते हैं। तो यहां पर ऑप्टिकल के मुकाबले लिक्विड लेंसेज बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि दोबारा से यहां पर वही चीज आती है कि यहां पर आपको कोई भी मूवेबल चीज देखने को नहीं मिलती। अभी भी जो आपका ऑप्टिकल लेंस है वो क्या करता है, मतलब लेंस है ये ऐसे करके अपने आप को स्टेबल करता है ताकि लाइट परफेक्टली आपके सेंसर तक जा सके। तो यहाँ पर इसको इधर उधर मूव करने, ऐसे ऐसे मूव करने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, बैटरी कंज्यूम होती है ज्यादा। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी लिक्विड लेंसेज में, क्योंकि लिक्विड है वो अपने आप को किसी भी शेप में मतलब इधर उधर कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही आसानी से वीडियो या फुटेजेस को स्टेबल कर पाएगा। अगले इसके एडवांटेज की बात करें तो वो आ जाता है जैसे हमारे कैमरा बम्प्स जो निकल रहे हैं ना अभी आजकल, आपने मीम 11 जो देखा है अल्ट्रा वाला उसका बम्प देखा है, जितना मोटा फोन है उतना ही मोटा कैमरा बम्प भी निकल आया है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि हमें लेंसेज के बीच में गैप देने की जरूरत पड़ती है, और अगर हमें अच्छी परफेक्ट इमेज चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा लेंसेज लगाने पड़ते हैं ताकि लाइट परफेक्टली प्योरली तरीके से फिल्टर हो और हमारे सेंसर तक पहुंचे। तो इसी वजह से जैसे आपने आईफोन में भी सुना होगा यहाँ पर 6 की जगह 7 एलिमेंट्स लेंसेज का इस्तेमाल करा गया है, जहां पर आपके 7 कांच के ग्लासेस यूज हुए हैं। तो इस वजह से अब आप सोच सकते हो कि 7 जो ग्लासेस हैं उनको आपस में इधर उधर मूव करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितना मतलब 7 लेंसेज उनके बीच गैप रखना है, कि आपको कितनी फोकल लेंथ चाहिए तो उनके बीच कितना गैप होना चाहिए, इसकी वजह से हमारा कैमरा बम्प जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन लिक्विड लेंसेज की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपका एक सेंसर रहेगा, उसके आसपास एक या दो ग्लास रहेंगे जो कि फिक्स रहेंगे इसके साथ, आपके जो सेंसर है उसके साथ, और बाकी का जो काम है वो करेगा आपका मेन जो आपकी लिक्विड मेम्ब्रेन है वो, और वहां से लाइट फिल्टर होगी आपके उस कांच तक आएगी, उस कांच के बाद डायरेक्ट आपके सेंसर तक। तो इसी वजह से हो सकता है आगे जाकर बड़े बड़े जो अच्छे कैमरा हैं वो भी हमें बिना बम्प के देखने को मिले, हमें एक यूनिफाइड एस्थेटिक लुक मिले हमारे फोन्स के अंदर। अब अगर हम अगले सवाल की बात करें तो वो ये आ जाता है कि यहाँ पर कौन सा लिक्विड इस्तेमाल करा गया है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है Xiaomi की तरफ से ही बनाया हुआ, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव अपने लिए हमने तैयार करा है एक पॉलीमर जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है। पॉलीमर का मतलब होता है एक जैसे मॉलिक्यूल्स की बहुत लंबी सी चेन। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज कंफर्म नहीं बताई गई है कि कौन सा यहाँ पर मॉलिक्यूल या किस तरीके से उनको बनाया गया है, कौन ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लो कि पानी का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा गया है। क्यों? क्योंकि पानी का जो सरफेस टेंशन है बहुत ही ज्यादा कम होता है, आप थोड़ा इधर उधर मूव करोगे या फिर थोड़ा सा ऐसा करके हिला दोगे ना, मतलब सरफेस टेंशन से ज्यादा फोर्स लग जाएगी और टूट जाएगा आपका जो मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर
हम फ़ोन को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ तो हमें करना नहीं है, ये गिरेगा, ये धूप में जाएगा, हीट होगा, सब कुछ होगा, उन सारी चीज़ों को इसको झेलना है। तो इसी वजह से उसी हिसाब से एक लिक्विड को तैयार करा गया है जो कि पतला हो, मेम्ब्रेन टाइप में बन जाए और हमारे लाइट को अच्छे से फिल्टर कर पाए, कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह ना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहे और आपकी जो फोटो है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की निकल कर आए और वोल्टेज देने पर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने शेप को चेंज कर पाए। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ है जो कि लाइट को फिल्टर करेगी, तो इसी वजह से हमें हो सकता है और भी ज़्यादा शार्प और भी ज़्यादा क्लियर फोटोज़ भी देखने को मिल जाएं। अब यहाँ पर अगर हम लिक्विड लेंसेज के एक और बहुत ही कमाल के फीचर की बात करें तो वो निकल कर आता है कि हमें मल्टीपल कैमरास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए ये डील ब्रेकर हो सकता है क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके फ़ोन में किस तरीके का कैमरा है, उनको फ़र्क पड़ता है कि उनके फ़ोन में कितना ज़्यादा कैमरा है। ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी लिक्विड लेंसेज की तो यहाँ पर हम लिक्विड की मेम्ब्रेन को चेंज करके, क्योंकि ऑब्वियसली फोकस हम कैसे करते हैं मैंने बताया, ये आगे या पीछे होगा, इसी हिसाब से जो लिक्विड है वो अपनी शेप को चेंज करेगा और वो या तो मैक्रो लेंस बन सकता है या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस बन सकता है या फिर हमारा किसी किसी केस में थोड़ा बहुत टेलीफोटो भी बन सकता है। अब हालांकि टेलीफोटो का एक दिक्कत यह है कि दो लेंस हैं उनके बीच गैप काफी ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पर यह चीज थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। इसी वजह से टेलीफोटो को तो हम एक साइड को अलग रख सकते हैं, लेकिन मैक्रो और अल्ट्रा वाइड ये दोनों और साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकल लेंथ रहेगा वो, तो एक ही कैमरा सिस्टम से हम तीन तरह के अलग अलग एडवांटेजेस ले सकते हैं। और आप खुद सोचो कि जो हमें फालतू के 2 मेगापिक्सल के 5 मेगापिक्सल के जो हमें वो मैक्रो सेंसर मिलते हैं या फिर जो हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का 12 मेगापिक्सल का जिसका सेंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो अगर हम एक अच्छे सेंसर से, क्योंकि सेंसर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो सेंसर हमारा बहुत अच्छा है और हम एक ही लेंस के सिस्टम से तीन तरह की वो कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि फोटोज़ कितनी ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वन प्लस का जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा एडवांटेज है उसके पास। तो सोचो कि अगर आप बड़ा मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर लेकर उसके अंदर ही अल्ट्रा वाइड और मैक्रो वगैरह लोगे तो उससे आप कितनी बेहतरीन फोटोज ले सकते हो। तो बस मुझे उम्मीद है आपको लिक्विड लेंसेज से जुड़े सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे, वो कैसे काम करता है और किस तरीके से वो हमारे फ्यूचर में आ सकता है। देखना यह है कि जितना इंटरेस्टिंग ये साउंड कर रही है टेक्नोलॉजी, क्या वाकई में इतना ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी हमें ये देती है, वो तो हमें जो अगला मीमिक्स आएगा उसमें ही देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।